अरे ये कैसे हो सकता है कि जयपुर के अंदर ब्लास्ट हो, मंदिरों के हनुमान जी के मंदिर पे ब्लास्ट हुआ और वो आतंकवादी छोड़े जाए? कौन इसका जिम्मेदार है? कोर्ट इसकी जिम्मेदार नहीं है, हम पॉलिटिशियन उसके जिम्मेदार है। क्यों ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां आवाज उठाए? हनुमान जी के मंदिर पे हमला हो जाता चुप बैठे रहे, कल को कहीं और मंदिर पे हमला होगा उस पर चुप बैठे रहे? वाय ये क्या? मैं फिर कहूं आतंकवादी आतंकवादी है, किसी कौम और मजहब का हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। हिंदुस्तान को तोड़ने वाले, भारत माता को तोड़ने वाले, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इस्तफाकुल्ला खां, मंगल पांडे, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनके खून से आजादी दी हुई का देश, उस देश को हमारे जीते जी आजाद भारत के अंदर तोड़ने की कोशिश करते हैं और राजनीतिक पार्टियां कहती इनको छोड़ दो। बड़ा हादसा होने का सवाल है, इस चीज के ऊपर सरकार इंक्वायरी कर रही है। क्या नक्सलाइटों की शरारत तो नहीं थी? क्या कुछ आतंकवादियों की शरारत तो नहीं थी? तो इसके ऊपर तो सरकार इतनी बड़ी जांच कर रही है और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद वहां पे गए हैं, खुद उसका जायजा। सर, जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों को कोर्ट से रिहा कर दिया गया है, क्या मानते हैं? तो मैं आपको स्पष्ट कह दूं, कोर्ट के अंदर, कोर्ट हमारी मजबूत है पर हमारी राजनीतिक विल नहीं है। आपने ये देखा होगा, यातिन मलिक फांसी के फंदे पे चढ़ने जा रहा है, कसाब को फांसी हुई, अफजल को फांसी हुई और अहमदाबाद के अंदर 25 वो आतंकवादी जिन्होंने अहमदाबाद पूरा यूपी हिला के रख दिया था, उनको फांसी की सजा कई महीने पहले वहां की कोर्ट ने सुना। जहां जहां सरकारें का मन होता है वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहीं भी हो, पंजाब के अंदर देख लो, जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया, उनको छोड़ा जा रहा है। कोर्ट के अंदर अगर केस को कमजोर ही सरकारें कर देंगी कि ये हमारा वोट बैंक है, पुलिस एडवोकेट मेहनत करती है, अपनी जान को जोखिम में डालती है, आतंकवादियों से कहां कहां से पकड़ के लाती है और उसके बाद वो बरी हो जाते हैं। कारण कोर्ट की तरफ से कमी नहीं, कमी रहती है तो पॉलिटिकल विल की तरफ से कि चुनाव आने वाला है, ये अगर फांसी की सजा होगी हमारा इतना वोट बैंक खत्म हो जाएगा। आतंकवादी भी आतंकवादी होता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो देशद्रोही है, जो पाकिस्तान के इशारों पे, जो आईएसआई के इशारों पे चलता है, उसके ऊपर कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। अब मेरे केस के अंदर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जिसको छुड़ाने के लिए जयपुर के अंदर किडनैप किया मिर्जा के बेटे को, पुलिस कहां से पकड़ कर लाई उनको? जर्मनी से, कैनेडा से, अमेरिका से टेररिस्टों को पकड़ कर लाई राजस्थान की पुलिस, फांसी की सजा हुई, बच गए? क्यों बचे? राजनीतिक कमजोरियां, मेरा सिख वोट टूट जाएगा, मेरा मुसलमान वोट टूट जाएगा। अरे हिंदुस्तान को तोड़ने वाले, भारत माता को तोड़ने वाले, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इस्तफाकुल्ला खां, मंगल पांडे, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनके खून से आजादी दी हुई का देश, उस देश को हमारे जीते जी आजाद भारत के अंदर तोड़ने की कोशिश करते हैं और राजनीतिक पार्टियां कहती हैं इनको छोड़ दो, क्योंकि चुनाव आने वाला है। ना कोर्ट की कमजोरी है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट। अगर केस को मजबूती से पेश करने की हदायत नहीं होगी तो आतंकवादी तो बचेंगे। पुलिस क्या है? प्रशासन क्या है? हम तो राजनीतिक गुलामी में जीते हैं जनाब। एक वो देश गुलाम अंग्रेजों का, आज हम राजनीतिक लोगों को गर्जित की सरकार उसकी गुलामी। मैं पूछ रहा, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ, मैं सही कह रहा हूं। हम राजनीतिक गुलामी में जीते हैं जनाब, पॉलिटिकल टेररिज्म में जीते हैं जनाब। टेररिस्टों को छोड़ा जाए जिन्होंने जयपुर के अंदर 25-30 लोगों को मार डाला, एक दिन के अंदर कई ब्लास्ट कर दिए, उनको छोड़ा जाए। अगली बार फिर आतंकवादी आएंगे, फिर कहेंगे जोधपुर में ब्लास्ट कर दो, फिर कहेंगे उदयपुर में ब्लास्ट कर दो। ये राजस्थान कौन सी जगह है? ये कर्मों की भूमि है, यहां देवी देवताओं का पवित्र स्थान है, यहां दुनिया से टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट डर जाएंगे कल को हादसा हो गया। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो सर, क्या आप मानते हैं कि जो राजस्थान में जो ये आरोपियों को छोड़ा गया है वो पॉलिटिशियन कमजोरी के कारण ऐसा हुआ है? मैं तो आपको कह रहा हूँ, हर जगह पंजाब में भी कह रहा हूँ, मैं हर जगह पे कह रहा हूँ कि इसको क्यों अच्छी तरीके से लड़ा गया, इसकी इंक्वायरी करें। आप प्रेस वाले किस लिए? आप ढूंढिए कि केस को कहां से कमजोर किया गया, क्यों नहीं उनकी कोई फाइल पहुंची, गवर्नमेंट के वकील को क्या, सरकारी वकील को क्या कहा गया,
अरे ये कैसे हो सकता है कि जयपुर के अंदर ब्लास्ट हो, मंदिरों के हनुमान जी के मंदिर पे ब्लास्ट हुआ और वो आतंकवादी छोड़े जाए? कौन इसका जिम्मेदार है? कोर्ट इसके जिम्मेदार नहीं है, हम पॉलिटिशियन उसके जिम्मेदार है। क्यों ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां आवाज उठाए? हनुमान जी के मंदिर पे हमला हो जाता चुप बैठे रहे, कल को कहीं और मंदिर पे हमला होगा उस पर चुप बैठे रहे? वाह, ये क्या मजाक है कि आतंकवादी को छोड़ दिया जाए? वो वक्त हुआ, 10 साल बीते, हम भूल गए फिर अगले ब्लास्ट की तैयारी? आतंकवादी कहेंगे बहुत हीरो थे, हीरो बन के आ गए, बम से बम चला दिए, अपनी कौम में वो हीरो बन गए। मैं फिर कहूं आतंकवादी आतंकवादी है, किसी कौम और मजहब का हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। सरकार बदले, सरकार आए, सरकार बदलती रहेंगी, सरकारें आती रहेंगी। मुझे बड़ा अफसोस और मुझे दुख है, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। क्यों आतंकवादी छोड़े गए? कहां से केस को कमजोर किया गया? कौन से सरकारी वकील को बुला करके कहा गया इसको कमजोर रखिए? कारण क्या है? मैं किसी के भी दोष नहीं दे रहा हूं, आपने मेरे से सवाल पूछा है कि हनुमान मंदिर जयपुर के अंदर, वो गुलाबी नगरी के ऊपर जहां पूरी दुनिया का टूरिस्ट आता है, जिसके नाम पे राजस्थान का नाम ऊंचा होता है, महाराणा प्रताप का नाम ऊंचा होता है, धर्म का नाम ऊंचा होता है, कहां करणी माता, कहां सरस्वती माता, कहां बालाजी मेहंदीपुर, जहां स्थान ही स्थान है पवित्र, वहां पे कोई बम चला के चले जाए और फॉरनर डर जाए और हम छोटी सी बात को लेके करें यार आतंकवादी छोड़ दिया, क्यों छोड़े गए भाई? क्यों केस कमजोर हुआ? केस कमजोर हुआ तभी छोड़े गए।